हमारे बीच में हमारी खंडहाल मंडल दल के नेता श्रीमती आविता मिश्रा मुद्दा जी हैं, यहाँ के प्रभारी मिश्रा जी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हरीश सिंघवी जी, हमारे शहर अध्यक्ष अमित सवंता जी, अंशु जी झा जी, हमारे जिला अध्यक्ष त्रिपाठी जी, सचिन रावत जी, सुभाष पाल जी, ये सबको यहाँ मौजूद है। मैं सबका मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत करता हूँ और मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि आज 18 मंडलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पार्टी का जुड़े हुए वरिष्ठ नेता इन सभी मंडलों में देश की कानून व्यवस्था तमाम चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद रियासत और कमिश्नरी लेवल पर धरना या ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। उसी सिलसिले में आज लखनऊ में हमारी विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मुद्दा जी, जो एक फायर ब्रांड विधायक है जिनको आप लोग विधानसभा में लगातार सरकार को घेरते और आक्रमण करते हुए सुनते हैं, वो आज यहाँ पर आप लोगों को संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों का फिर से पहले दिन से स्वागत करता हूँ और श्रीमती आराधना मिश्रा मुद्दा जी से आग्रह करता हूँ, कृपया संबोधित करें। धन्यवाद राय साहब, हमारे चेयरमैन। मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और हमारे पत्रकार बंधु, मैं आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय अगर कोई है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसी पर आज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसा कि राय साहब ने बताया कि हमारी आज सभी मंडल स्तरीय पर कोई ना कोई वरिष्ठ नेता आज इसको संबोधित कर रहा है और कल हम प्रदेशव्यापी आंदोलन भी करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक ओर विधानसभा से लेकर के प्रदेश के हर कार्यक्रम में और यहाँ तक कि देश के कोने कोने पे, जहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, तो वो अपनी पीठ खुद थपथपा करके बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर। एक नई उपाधि उनको मिल गई है, बुलडोजर बाबा के नाम से। उस उपाधि को लेकर के वो बड़े प्रसन्न भी हैं, बड़ी चर्चा में भी बने रहते हैं। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर भी खो दिया। पिछले 8 साल में, 17 से लेकर के अभी तक, महिला अपराध से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मामले पूरे देश में उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध में जो शिकायतें दर्ज हुई पूरे देश में, वो 55% उत्तर प्रदेश की। बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न और साइबर क्राइम जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश पर 2023 में कुल 28,811 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 16,109 शिकायतें केवल उत्तर प्रदेश में। जो NCRB का डेटा, ये डेटा कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं जारी किया, इंडिया अलायंस ने नहीं जारी किया, केंद्र सरकार का जो NCRB का डेटा है, 2022 में अंतिम बार जो डेटा जारी किया गया उसमें उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे, मर्डर, गैंगरेप जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है।
जो पांच राज्य सबसे ज्यादा अपराध में है उसमें उत्तर जिसमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर एक पर। ये थी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए, और भी महिलाओं के अलावा भी जो अपराध हो रहे, चाहे वो मर्डर हो, लूट हो या अन्य जितने भी तरह के अपराध हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश देश में एक नंबर पर। मैं आप सबकी को कुछ घटनाओं की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अयोध्या में अभी एक घटना घटी, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, अखबारों में हम सब लोगों ने पढ़ा कि प्रभु राम के मंदिर के प्रांगण में सफाई करने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ तीन अलग अलग जगहों पर 9 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया, कि कल प्रदेश व्यापी हम आंदोलन करेंगे और सरकार से इन सभी सवालों का जवाब मांगेंगे। मैं एक दुखद और घटना है और मैं चाहती हूँ कि उस पर आप सब का भी ध्यान आकृष्ट करूँ। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक बहुत ही अशोभनीय और हमारे लीडर ऑफ द पार्टी लोकसभा में उनके ऊपर एक अशोभनीय टिप्पणी की गई, आतंकवादी तक कह दिया गया, और एकनाथ शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा अभद्र टिप्पणी करके की गई। साथियों, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि यह अमर्यादित बयान वही दे सकता है जिसने देश के लिए कोई कुछ खोया ना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जब इस देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो ये भारतीय आरएसएस के लोग, जो मूल विचारधारा है भाजपा की, जो आत्मा है भाजपा की, ये लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। और इस आज़ादी की लड़ाई में अगर कोई संघर्ष कर रहा था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा था। जिन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी की है वो शायद ये भूल गए कि राहुल गांधी में इंदिरा गांधी का खून है, राजीव गांधी का खून है, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण त्याग दिए, पर किसी भी ताकत के आगे अपने सिद्धांतों के लिए, अपने देश के लिए कभी घुटने नहीं टेके। कांग्रेस पार्टी इस बयान की पूरी तरह से भर्त्सना करती है और मैं आप सब लोगों को आज ही कल के जो हमारा आयोजित होने वाला आंदोलन है उसके लिए आपको आमंत्रित भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेता है जो ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था सुधारने के लिए इनकाउंटर करना पड़ रहा है, उस पर जो है विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, ऐसे कितनी बात। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिल्कुल अगर अपराधी है तो वो अक्षम्य अपराध उस पर एनकाउंटर हो, पर क्या एनकाउंटर जात बिरादरी और किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, क्या ये देख करके करना ये न्याय संगत है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो आपको उदाहरण दे दिए कि जब आप बीएचयू के अपराधियों को जो छूट करके जमानत पे आते उनको फूल माला पहनाते, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। क्या जिस तरह से अपराध करने वाले अपराधी अयोध्या में बुलडोजर चला एक अपराध में, उसी तरह की दूसरी घटना पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो भी एक बेटी थी, उसके साथ भी बलात्कार किया गया, पर क्योंकि जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का बेटा है इसलिए उसको क्षमा कर दिया गया, उस पर बुलडोजर नहीं चला। मैं पूछना चाहती हूँ कब चलेगा बुलडोजर उसके घर पर, तभी उस बेटी को न्याय मिलेगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल
NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।